केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली असरफ फातमी ने कहा कुछ लोगों की गद्दारी के कारण हारी सीता देवी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्व जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली असरफ फातमी ने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष पद की उम्मीदवार सीता देवी कुछ लोगों की गद्दारी के कारण चुनाव हार गयी। पार्टी का धर्म नहीं निभाए जाने के कारण परिणाम विपरीत आया। जिला उपाध्यक्ष पद पर जब 18 मतों से जीत मिली तो फिर अध्यक्ष का पद नहीं जीत पाना शोचनीय है। ये बातें उन्होंने मंगलवार को खाजा सराय स्थित अपने आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद पर जीत की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजद में रहते हुए शंभू पासवान व सीता देवी को उचित सम्मान नहीं मिला। सीता देवी हम लोगों के समर्थन में आई तो हम लोगों ने भी ईमानदारी से सीता देवी की मदद की और जीत दिलाने को लेकर भरपूर प्रयास भी किया, लेकिन कुछ लोगों के कारण सीता देवी मात्र एक वोट से चुनाव हार गई। उन्होंने कहा कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने को लेकर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। बिहार को पैसों की जरूरत है। उन्होंने जातीय जनगणना कराए जाने को जरूरत बताया ताकि आर्थिक रूप से कमजोर तबके को उसके आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार विशेष योजना बना सके। उन्होंने आगामी 29 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दरभंगा आगमन की जानकारी भी दी। मैंने इशारों में बात कर दिया तो आप लोग एक जगह 18 वोट से हमारे उपाध्यक्ष के उम्मीदवार जीतती और दूसरे एक वोट से हार जाते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये सवाल तो उन लोगों से करिए कि उनको 22 वोट अध्यक्ष के चुनाव में मिलता है और 13 वोट उनको उपाध्यक्ष उम्मीदवार को मिलता है, ये 9 वोट कहाँ चला गया उनका? इसका मतलब ये है जी, कब नहीं, ये बिल्कुल गलत है और हम लोग सभी मिलजुल के लड़े थे। पूरा जो भी ये गठबंधन है ये मिलजुल करके ईमानदारी से लड़ा था और कुछ लोगों ने, मैंने कहा, गद्दारी किया इंडिविजुअल तौर पर और कुछ एक फैक्टर है, उनको रियलाइजेशन भी होगा और सब कुछ मुमकिन है अगर आप ईमानदार रहें और लोगों के जनहित के काम में लगे रहें और जो मेंबर्स हैं उनका ख्याल रखें। तो मैं तो दोनों उम्मीदवार जो हुई थी उनको शुभकामनाएं देता हूं नए साल के लिए और ये तो दूसरी मर्तबा हुई हैं उपाध्यक्ष और ये तो पहली मर्तबा जीत के गई थी और मात्र एक वोट से हारी, उनकी तबीयत भी कल खराब हो गई। तो सब देखना नहीं है और आगे बढ़ना है और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो विपक्ष है वही पक्ष में आता है और जो पक्ष में है वो विपक्ष में जाता है। जो अच्छे काम करता है समाज की निगाह में, मेंबर्स की निगाह में, वही अच्छा रहता है। तो मैं दोनों को शुभकामनाएं देता हूं और दोनों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन ने आज भी आप दोनों का साथ दिया है और आगे भी गठबंधन और हमारे जो भी सहयोगी हैं आपके साथ रहेंगे। आप लोग मेहनत से काम करिए, सिर्फ जगह मिल जाने ही से नहीं होता बल्कि आप एक आम आदमी के तौर पर भी समाज की सेवा कर सकते हैं। तो आप तो सभी लोग जिला परिषद भी हैं और हमारे एक उपाध्यक्ष भी हमारे तरफ से हुई हैं, तो ये मौका है फिर से दरभंगा के विकास को आगे बढ़ाने का, ये सबको मिलजुल के करना चाहिए। साथ ही राजनीतिक तौर से इतना ही कहना चाहेंगे आपसे कि कम से कम ये साल जनता दल यू को मजबूत करने में हमारे सारे सहयोगी लगेंगे। अभी तक 29 तारीख का कार्यक्रम है हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का, वो 29 तारीख को दरभंगा तशरीफ ला रहे हैं, 29 जनवरी को तशरीफ ला रहे हैं, उनका हम लोग हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। और प्लस हमारे वर्कर, हमारे नेता जो दरभंगा के हैं, वो क्या क्या मार्गदर्शन देते हैं, क्या क्या बताते हैं, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है, उस पर भी विस्तार से वहाँ चर्चा होगी और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे। साथ ही जो हम लोगों की, जो पार्टी की दो बड़ी मांगे हैं, खास तौर से बिहार पिछड़ापन में लोग कहते हैं कि नीचे पायदान पर है, ईमानदारी की बात है कि एक एक पैसा जो बिहार की आमदनी हो या भारत सरकार से मिलती हो, नीतीश कुमार जी ईमानदारी से दिन रात मेहनत करके बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ कमी है तो इसमें भारत सरकार को स्पेशल राज्य का दर्जा, जो नीतीश कुमार कल में हो, स्पेशल पिछड़े राज्य का दर्जा देकर मदद करने का की जरूरत हो। बिहार को जरूरत है पैसों की और उसमें भारत सरकार मदद कर सकती है, तो ये करना चाहिए। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।